आप लोगों का स्वागत है आईफा अवार्ड 2020 में, और आज हम उन लोगों को अवार्ड देने वाले हैं जो इंस्टाग्राम रील्स के बेताज बादशाह, क्रिंज की दुनिया के सरताज। तो आप समझ ही होंगे मैं किनके बारे में बोल रहा हूँ। तो चलिए उन्हें बुलाते हैं आप मेरी जान। तो इन्हें देखने के लिए करोड़ों की भीड़ में यहाँ पर लोग इकट्ठा हुए हैं। तो तालियों के बीच में स्वागत करते हैं इनका, मेरी जान। तो समीर जी, आपको कैसा लग रहा है इतना बड़े मंच पर आकर आईफा 2020 में? मुझे यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है मेरा भाई, बस ट्रॉफी और मिल जाती तो मजा ही आ जाता मेरी जान। तो आपने बहुत दुख दर्द झेले होंगे इस मुकाम तक आने के लिए। मैंने भी बहुत दर्द झेले, जब भी मैं जिम जाता था बाथरूम साफ करने के लिए लोग मुझ पे बहुत हंसते थे। आप पर कोई जिंदगी में हंसे मेरा भाई या दांत दिखाए तो ले गोनी और दे मुक्का के मुंह में मेरी जान। तो आप, आपकी ऑडियंस और यहाँ पर जो जनता आई है उनके लिए दो शब्द प्लीज। अगर जिंदगी में सस्ता नशा करना है मेरा भाई तो 35 वाला पौआ पी मेरी जान। वो पागल है क्या भाई? कौन है साले? अबे साले टिकटॉक और इंस्टाग्राम का है पहले करेंगे साले। अरे भाग रहा नहीं, भाग रहा निकाल दे। तो अब बुलाते हैं जोरदार तालियों के बीच काजल को। लड़की है? हाँ हाँ लड़की है, देखते ना अभी लड़के लड़के। जोरदार तालियां भाई। आपको कैसे भूल सकते हैं, आपने तो गु खाया है हमारा। तो वैसे आपका गांव का नाम क्या है? नीमुंड कुटीपाड़ी कोंडी फुटपोंड। अभी तो तेरे गांव का नाम बता रहा है। हाँ, जिसकी शादी में अपन गए थे, मेरे दोस्त की शादी में। मेरा भी ब्याह करवा दो, काली गोरी चिट्टी मिट्टी करवा दो। हाँ करवा देंगे, दिक्कत क्या, बहुत लड़के हमारे पास। 100 के बाद मिलना उससे करेगा वो। हाँ वो नहीं, वो लड़का दिख रहा है। अरे लड़का नहीं, लड़के है यार, दिल से लड़का दिख रहा है, भावना से देख उसको अंदर की। तो सागर पोक जी, तो लोग आपके एक्सप्रेशन के बहुत ज्यादा फैन हैं। वो वाला एक बार वो करिए ना, ये कुछ करते हैं आप, एक बार दिखा दीजिए यार हमें। क्या है ये? हाँ, है? क्या है ये साले पागल आदमी, क्या होता है ये? मतलब इंसान ऐसा फेमस सागर तेरी। तो बुलाते हैं अगले छपरी को। नो अरे कहाँ सर, भाई शांत हो जाए यार, आईफा पर चल रहा है, जनता भर जाएगी इतनी। अरे कहाँ गया डी अब्दुल, साला गाली बक के भाग गया और छुप कर रिप्लाई भी नहीं दे रहे हैं। फाट डालूंगा साले, अब मेरी तबाही आएगी, तबाही एक ही में खत्म। अरे उसके भाई नहीं आया, वो आएगा ना आया, उसका भाई आएगा। एक काम करो, तुम यहाँ छुप जाओ, जैसे इसका भाई उसका लपेट दे और भगा मत देना साले को। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं मिस्टर रियाज का। लोंडों का क्रॉस। तो मिस्टर रियाज, आपका कोई बॉयफ्रेंड है? ओ व्हाट डू यू मीन, मैं आपको लड़की लगता हूँ? सॉरी सॉरी, आपके शक्ल देख के मेरे को लगा आपका बॉयफ्रेंड होगा। हाँ तो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? तो हमें वो फालतू का टैलेंट दिखाइए जिसकी बदौलत आप इतना फेमस हुए। दिखाइए थोड़ा, दिखाइए। ओके म्यूजिक।
तो आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं टीम 07 के केजू 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 डोंट यू पता नहीं कौन से भेजू तो भेजू जी, हमने सुना है कि आप खतरों के खिलाड़ियों में जा रहे हैं, तो आपको कैसा लग रहा है? सुना क्या भाई, जा ही रहा है वो पगला। ओ वाह, जा रहे हो कैसे? आपको नहीं पता? अरे मैं भाई सही में जा रहा हूँ यार। अरे यार, बहुत पैसा दिया मैंने जाने के लिए, मैंने करोड़ों डाल दिए, और जीतने के लिए अरबों डाल दूंगा मेरे भाई। यही होता है, और तुम्हें पता ना मैं कौन हूँ? भेजू 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 जीतेगा मैं। तो आपने अब कितनी फैन फॉलोइंग? 27 मिलियन करे कैसे? 27 मिलियन? हाँ नहीं यार, हमारे 200 ही है भैया। नहीं 200 नहीं है, 107 है। अच्छा इत... अरे मैं तब से फेमस हुआ जब से केरी मराठी ने मुझे रोस्ट करा, जैसे सबका करता धरता भगवान होता है, इसलिए ऐसे ही मेरा करता धरता केरी मराठी है। उसने मुझे जैसे ही रोस्ट करा, मैं वायरल, मेरे एक दिन में 30 मिलियन बढ़े, पर उसमें से 3 मिलियन चले गए। अच्छा तो फेजू जी, आपने कुछ समय पहले अपने फैन लोगों के लिए कच्चे बादाम डाले थे, तो दिखाई कि वो पके कि नहीं पके? दिखाई कि पके या नहीं पके। ओके म्यूजिक। तो आपकी जोरदार तालियों के बीच स्वागत करते हैं टीम 07 का नाम रखने वाले और हमें ट्रेंडिंग टॉपिक देने वाले यूट्यूब पे अदनान का। तो अदनान जी, अब ये बताइए कि आप जब भी लड़ाई होती है, आप जब बॉडी क्यों बनाने लग जाते हैं ऐसे धक 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 धक, आप रोज स्टोरी डालते हैं, क्या कारण है इसका? देखिए, जब भी मेरी लड़ाई होती है तो मैं बहुत पिटता हूँ, इसलिए मैं सोच रहा हूँ बॉडी बॉडी बना दूँ। और तुम्हें पता ही है छोटा मोटा गेम नहीं खेलने का, इसलिए मैं बॉडी बना दूँ। भाग ले।